फैमिलीज में ये होता है, जहाँ बच्चे होते हैं वालदैन ये सोचते हैं कि सारे बच्चे एक जैसे हो, हालांकि वो ये नहीं समझते कि वो खुद जब बच्चे थे तो सब एक जैसे नहीं थे, ठीक, सब एक जैसे हो। लिहाजा नतीजा ये होता है कि वो अपने बच्चों में तफरुक करते, फर्क करते ऐसे कि जो बच्चा अच्छा पढ़ता फर्स्ट क्लास, कहते तुम कामयाब होंगे बेटा, तुम दुनिया में बहुत आगे बढ़ने वाले हो, तुम ऐसा करने वाले हो, तुम वैसा करने वाले हो, और जो कामयाब नहीं होता तो उसको कहते कि तुम तो बेकार हो, नाकारा हो, और फिर बदुआएं देते हैं कि कुछ फायदा नहीं हुआ, तुम्हारा बाप कमा रहा है लेकिन तुम पर लगा रहा है और तुम कुछ करते नहीं हो, इस तरह से कहते हैं। बड़ा बच्चा ये सोचता, हाँ मैं तो अब फर्स्ट क्लास हूँ तो लिहाजा मैं तो इंशाल्लाह आगे बढ़ने वाला हूँ। और बेचारा दूसरा सोचता, अब माँ बाप नहीं बोल दिया, बदुआएं भी दे रहे, शायद मैं कुछ काम का नहीं है दुनिया में। तो मैं कहूँगा वालदैन से, देखिए बच्चों में इल्म के तालीम की वजह से और परसेंटेज की वजह से अल्लाह के लिए फर्क मत कीजिए, इसलिए कि उसमें जो बची कुची सलाहियतें दूसरे बच्चे में, देखिए अल्लाह ने हर इंसान में यूनिक सलाहियतें दी है, उसको सिर्फ एक्सप्लोर करने की जरूरत है, एक ऐसा गाइड चाहिए जो निकाले उसमें से वो सलाहियत, और वो माँ बाप हो सकते हैं। और अगर वही माँ बाप ये कहे तुम तो हमारे लिए फितना बन चुके हो, तुम तो बेकार हो, तुम तो बोझ बन चुके हो और बदुआएं दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, ये तरबियत सही ना होने का नतीजा है, या जिसको कहेंगे कामयाबी और नाकामी का कॉन्सेप्ट ना समझने का नतीजा है। और ये बड़ी ताज्जुब की बात है, ये कैसे कोई कह सकता है कि कोई बच्चा फर्स्ट क्लास आए तो वही ज्यादा कमाएंगा और अच्छा होगा, और जो बच्चा फर्स्ट क्लास ना आए तो वो कम कमाएंगा और अच्छा नहीं होगा? देखिए हम नहीं जानते आगे चल के क्या होने वाला है, हम नहीं जानते। और ये बात हम देखते हैं दानिशरों के अखवाल, ठीक, APJ अब्दुल कलाम जो बहरहाल हमारे प्रेसिडेंट रह चुके इंडिया के, उनका भी एक कॉल था, वो कहते हैं कि इंडिया के सबसे बेस्ट माइंड स्कूल के लास्ट बेंचेस पे बैठते हैं। वो कहा करते थे, सबसे बेस्ट माइंड स्कूल के लास्ट बेंचेस पे बैठते हैं, टीचर उनको एक्सप्लोर करे, उनकी सलाहियत। जैसे कि एक बच्चा पीछे बैठा है और वो मजाक अच्छा करता है, पढ़ता अच्छा नहीं है, इसका मतलब उसमें समझने की सलाहियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि मजाक को समझना हर आदमी का काम नहीं होता है। कभी कभार जो कोई करता है और सामने लाला खामोश है, लोग बोलते तेरे लिए जाफरा नहीं है, माइंड है। तो गोया मजाक उड़ाने वाला बच्चा शातिर है, जहन के तेज है, उसकी सलाहियतों को एक्सप्लोर कीजिए, उसका फील कुछ और है, समझ रहे हैं बात को? ये समझने की जरूरत। तो वालदैन मैं कहूंगा अल्लाह के लिए बच्चों को सिर्फ परसेंटेज की वजह से कामयाबी और नाकामी के सर्टिफिकेट्स बचपन में ना दे दे, पता नहीं ये आगे चलकर क्या हो रही। मैं ही नहीं कह रहा हूँ जो अच्छा है वो नाकामी होगा और जो बुरा है वही कामयाब होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ हम क्यों ये सोचते और ये जहनियत क्यों बना ली हमने, जहनियत को चेंज करने की जरूरत है। और वैसे भी जो वालदैन बहुत कुछ करते हैं बच्चों के लिए वो कह सकते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं करके खाली रिजल्ट के दिन, हमारे वालदैन का